हेलो एवरीवन, मैंने इसको फर्स्ट टर्न काम करने के बाद अभी हम लोग इसमें सेकंड टर्न करेंगे। सेकंड टर्न करने के पहले हम लोग जो जो ऑब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट पर हम लोग को सेकंड टर्न करना है, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग सेकंड टर्न कहाँ कहाँ शुरू करें। तो पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ट्री में। स्टूडेंट लोगों का वाटर कलर में सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि फर्स्ट टोन हम लोग किस तरह से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन सेकंड टोन करने के समय थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं कि हम कैसे करें, तो सो कैसे करें। तो आज हम आपको ये वीडियो करके दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर जो कलर है उसी का डार्क कलर लेके जस्ट लीप का कैरेक्टर को आपको यहाँ पर प्लेस करना है। जस्ट लीप, जैसे लीप का कैरेक्टर कहीं हल्का स्टोन, जिस तरह से हम बता रहे हैं। देखिए, ये आपको हल्का हल्का सा कहीं लीप का, जो भी लीप का कैरेक्टर उसमें जो कलर आपको वहां पर दिख रहा है, हूबहू वही कलर से डार्क कलर देके आपको एक टोन देना है इस तरह सा, ताकि आपका जो पहला वाला कलर रहेगा वो भी दिखेगा और सेकंड कलर जो अभी आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी दिखेगा। क्योंकि हम लोग ये जो वाटर कलर का तरीका कर रहे हैं, ये वाटर कलर ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो कलर हम लोग पहले फर्स्ट टोन में दिए हैं वो कलर भी रहेगा और जो सेकंड टोन दे रहे हैं वो भी दिखेगा। इसलिए हम लोग इसको ट्रांसपेरेंसी वाटर कलर करते हैं। तो स्टूडेंट, ये पहला आपका होगा कि पहले आप फर्स्ट टोन से बखूबी से ध्यान दीजिए, उसके बाद आप सेकंड टोन स्टार्ट कीजिए। और सेकंड टोन स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा पहला वाला जो कलर हम लोग यूज़ किए हैं उसको थोड़ा कंप्लीट ड्राई होना जरूरी है, और ड्राई होने का, ज़्यादा ड्राई होने से भी आपका करने में दिक्कत होता है। लेकिन पहला कलर है फर्स्ट टोन में हम लोग क्या करें ना, जो कलर हमने दिया, अब देखिए ट्री का एक डिटेल पार्ट उभर आया है। अभी हम उसका जो ब्रांच है, ब्रांच को देखिए, जहां जहां आपको टहनी है ट्री का इनसाइड में, वो जहां पर लाइट नहीं पहुंच रहा है वहां पर आपका डार्क ब्राउन और ब्लू कलर से मिक्स करके एक तो डार्क सेट कलर का आएगा, जिसमें परछाई का जो है उसमें परछाई है, इसीलिए हम लोग इसका अंदर में डार्क शो करेंगे। डार्क देने का बाद हम लोग उसको नीचे, जैसे ही हम लोग नीचे थोड़ा सा लाइट में दिखेगा वैसे ही हम लोग उसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जो हम अभी हम दिखा रहे हैं। अब इसमें जो है धीरे धीरे करके आप उसको वाटर से ट्रांसपेरेंट कीजिए इस तरह से। ये पर हल्का हल्का शैडो जो लीव का है वो धीरे धीरे इस तरह से दिखेगा। और राइट साइड में, चूंकि लेफ्ट साइड से सनलाइट आ रहा है, तो राइट साइड में हम लोग हल्का इसको कवर अप करेंगे डार्क करके। उसके बाद हम लोग सबसे पहले जो दूर का ट्री है ना, दूर का ट्री में उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जैसे बनाना ट्री जो है इधर हो गया, इसमें जस्ट लीफ का जो कैरेक्टर है फ्लैट है ना, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा कलर को देकर के डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट इसको पता चले ये कलर ट्री का जो कैरेक्टर है उसको पता चलना चाहिए कि हम जो स्ट्रोक अभी यूज कर रहे हैं उसको देखने से लगे कि हाँ बनाना करती है। बस इसी को ही आपको मैंने हमेशा प्रैक्टिस करना है और देखना है कि आप लोग अगर प्लेन एयर, मतलब बाहर में जाकर के जाकर स्टडी, जो नेचर स्टडी करेगा उसको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ये इंडोर में हम जो दिखा रहे हैं, हम भी एक इमेजिनेशन पेंटिंग ही बता रहे हैं, हम कहीं देखा हुआ चीज को आपको बता रहे हैं, देख के नहीं बता रहे। जब देख के, अभी चूंकि हम लोग का अभी मैंने COVID-19 के चलते, अभी आपका लॉकडाउन के चलते अभी हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उसको इमेजिनेशन हम लोग देख लिए
मन की कैमरा को देख करके उसको माइंड में आप ऑन करके, जैसे हम लोग होता है ना कि कैमरा ऑन करके हम लोग फोटो सब जो फोटो बाहर में खींच से देखते हैं, ठीक उसी तरह आपका इमेजिनेशन में माइंड पर प्रकाश जोड़ दे करके आपको ये दिखाना है। अदरवाइज क्या है ना कि आपका, अब देखिए पहले आपका फ्लैट कलर था ट्री में, अब हल्का सा टोन लिए तो पता चल रहा हाँ ये केला का पेड़ है। ठीक उसी तरह से आप जहां जहां, जैसे यहाँ पर है हल्का सा एक दे सकते हैं टोन, जो एडवेस्टर टीना है, टीना जो है ऊपर में उसका भी एक अपना ही एक होता है, उसको भी धीरे से हल्का सा दे सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा होने से क्या मोटा पतला फ्लैट तुरंत करेगी। ड्राइंग जब आपका सब्जेक्ट छोटा है, ड्राइंग भी आपका छोटा है, तो उसमें तीन नंबर ब्रश या दो नंबर ब्रश यूज करके ही आपको लेना है, ज्यादा बड़ा भी। और इसमें ये भी दिखाना है हम लोग को जहां जहां आपको जरूरत है बस उसी में ही आपको इसको सेकंड टोन थोड़ा सा देना है। इसमें से क्या है ना, आपको जो हाईलाइट पोर्शन है, माने हमको ये सब हाईलाइट करना है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी सबको ऐसे ही रख देना है, फर्स्ट टोन में ही छोड़ देना है ना। फर्स्ट टोन में ही मैक्सिमम हम लोग कलर इस्तेमाल करके पेंटिंग को ऑलमोस्ट हम लोग कम्प्लीट कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम यही बोलेंगे कि जो हमको जरूरत है उसी को ही हम लोग माने लेंगे, ज्यादा हम लोग को नहीं दिखाना है। ज्यादा हम लोग दिखाएंगे तो आपका पेंटिंग जो है हार्ड हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये स्टोन जो है ना राइट साइड में, उसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे। ये जो इसमें ये भी एक सब्जेक्ट है फ्रंट का, जो फ्रंट का सब्जेक्ट है ना उसको भी हल्का सा एक डायमेंशन देना है, ताकि क्या है वो पत्थर है कि शैडो है ये पता चलना चाहिए कि एक्चुअली ये एक तो हम लोग शुरू में बोलते चट्टान का ये है, इसमें हम लोग हल्का सा एक टोन देके डाइस का जो डायमंड वॉल्यूम जो है बोलते हैं वो हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। जो देख कोई भी काम ना जल्दीबाजी में मत कीजिएगा, जो भी है स्टेप बाय स्टेप देखने से आपको लगेगा कि हाँ हमको पहला स्टोन पहला स्टेप में इस तरह से करना है, सेकंड स्टेप इस तरह से करना है, अब तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ एक पेंटिंग को बनाने में हम लोग को कितना समय लगता है और हम लोग इसका क्या प्रोसेस है।
अब जो है इसको और अभी देखिए एक तो यहाँ पर फिगर है, फिगर में हम लोग काम करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करें, पतला सा एक तो ब्रश लेके उसका जो बॉडी का जो पार्ट है, पहले हैंड हुआ कि हेड हुआ, उसको लेंगे हल्का सा डार्क ब्राउन, पहले डार्क ब्राउन लेंगे और एक उसके साड़ी में सर में तो टोपी दिया हुआ है, बस ये हो गया आपका। इसको उतना डिटेलिंग का जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें को जैसे तो फिगर है उसमें बैलेंस करने के लिए हम लोग पेंटिंग को हल्का सा कोई कैरेक्टर हम लोग देते हैं, आदमी हो जो भी है, बैलेंस करने के लिए हम लोग देते हैं। सो दैट बस अभी और कुछ और हम लोग यहाँ पर एक सीढ़ी जैसा है Thank you.